अकॉर्डिंग टू मी कब आएगा आई थिंक दिस वीकेंड को आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा एंड मंडे को कुछ स्पेशल मिल जाएगा क्योंकि मंडे आई थिंक इज गोइंग टू बी द डे जब लॉन्च uh, पार्टी भी हो सकती है क्योंकि मंडे इज़ अ वेरी गुड डे फॉर बीजू माई मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है बट मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ और जो पता है वो बता नहीं सकता बट जो रीज़न वो ये है मेरी तरफ से जो लॉजिक है वो ये है आई पी खत्म हो रहा है सडनली आई के बाद लोगों के पास कुछ होता नहीं है देखने के लिए दैट्स अ फैक्ट एंड उस समय पे बेस्ट रहेगा कि कुछ करके करते हैं कुछ लेके आते हैं कुछ करते हैं क्योंकि तब सबसे ज्यादा वॉचिंग आएगी आप मेरे इस बात से सहमत हो या नहीं हो तो गेम मान लो चाहे सैटरडे को भी आ गया संडे को भी आ गया मंडे को कुछ ना कुछ तो होगा ये मैं गारंटी बता सकता हूँ आपको लोगों के पास कुछ नहीं होगा देखने के लिए उनके पास डाटा होगा खर्च करने के लिए एंड इस पर कैपिटलाइज जरूर करा जाएगा the publisher has been working tirelessly for the last 10 months and has brought the game back. let's wait for just a few more days for the uh, completion of server and other integrations in the game. we have uh, already waited for 10 months, so a little more patience will be worth it all as well, exactly. when we can expect skyland tournament for bjm if possible for audience yes in the stadium with thousands of people bangalore or bombay ai ah, ye mere bola tha tum log ko guys ki ek bar bas game आने दो jo log mujhse pooch rahe the lan event lan event lan event back to back bhai back to back matlab mere ko aisa lagta hai ki sab kuch agar sorted raha na to प्लेयर्स के पास time नहीं होगा कि वो boot camp भी जा पाए इतने back to back events होंगे और मेरे ख्याल से most of the events लैन events ही होंगे ऐसा uh, मेरे को लगता है